बड़ी खबर आपको बता दें, ड्रग्स विभाग की छापेमारी में भारी संख्या में एक्सपायरी दवाइयां बरामद की गई हैं। दवाइयों को बाजार में खपाने की तैयारी की जा रही थी। संबंधित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जाने की बात की जा रही है। पूरा मामला अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के गांधी मूर्ति के पास का है। यहां पर कृष्णा मेडिकल एजेंसी के गोदाम पर एडीएम सुरेंद्र सिंह के निर्देश में नगरपालिका और ड्रग्स विभाग की संयुक्त छापेमारी में भारी संख्या में एक्सपायरी दवाइयां बरामद हुई हैं। दवाइयों की कीमत 20 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। मंडल के 3 जनपदों के ड्रग्स इंस्पेक्टर द्वारा छापेमारी कर लाखों रुपए की लागत की यूनानी और आयुर्वेदिक एक्सपायरी दवाइयां बरामद की गई हैं। दवाइयों की कीमत 20 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। ये एक्सपायरी दवाइयां बाजार में खपाने की तैयारी की जा रही थी। इससे पहले ही उनको पकड़ लिया गया। ड्रग्स विभाग की छापेमारी से हड़कंप मच गया। ड्रग्स इंस्पेक्टर के अनुसार ड्रग्स एक्ट धाराओं में FIR दर्ज कराने की तैयारी की जा रही है। छापेमारी में जनपद बिजनौर के DI उमेश कुमार भारती, जनपद अमरोहा की DI रुचि बंसल, जनपद रामपुर के DI मुकेश कुमार समेत नगरपालिका टीम मौजूद रही। जिला संवाददाता दिलबहार अहमद की खास रिपोर्ट। जो भारी मात्रा में नकली दवाइयां बरामद की है, एक्सपायर दवाइयां, क्या है पूरा मामला? एक शिकायत एडीएम साहब के यहाँ गई थी। एडीएम साहब ने उसको जांच करवाया। जांच में इनके घर पर भी एक्सपायरी दवाइयां, वहाँ भी लाइसेंस था, यहाँ पर भी कृष्णा मेडिकल नाम पे लाइसेंस है। दोनों की जगह 3 ड्रग इंस्पेक्टर जिले के हैं, रामपुर, अमरोहा, बिजनौर के। इन लोगों ने मतलब अभी कार्रवाई, ड्रग एक्सचार्ज करवाई, करीब सीजर 20 लाख तक का सीजर भी हो चुका है। अनुमान अभी ज़्यादा है, करीब 70 लाख तक दवाइयाँ प्राप्त हो सकती हैं। इसमें सारी एक्सपायरी दवाइयाँ हैं, कुछ स्पूरियस की संभावनाएं हैं, जिसको हम अपने ड्रग हिसाब से कार्रवाई करेंगे। अच्छा, ये जो दवाइयां हैं कहां बेचने के हिसाब से रखा हुआ है स्टोर, यहां पर अनुमान तो यही है। तो क्या इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? कार्रवाई ये ड्रग एक्ट के हिसाब से कार्रवाई होगी, जो भी ड्रग एक्ट की धाराएं दी गई है उसी के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।